नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजधानी, देश का दिल दिल्ली, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है इस वक्त। ये बिल्कुल गर्मियों के दिन है और बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त है, और इस वक्त दिल्ली एक नए तरह के संकट से गुजर रही है। और भारत के जो पॉलिटिशियन हैं, दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है। आइए दोस्तों समझते हैं कि पूरी खबर है क्या और दिल्ली में किस तरह का संकट ये आ चुका है, और इससे इस संकट की वजह क्या है, इसमें गलती किसकी है, मतलब कमी कहां पर है। आइए दोस्तों समझते हैं इसको। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में इस वक्त जल का संकट बहुत ज़्यादा है, वाटर क्राइसिस इस वक्त इतना ज़्यादा है। आपने बहुत से अभी वीडियोस देखे होंगे, फ़ोटोज़ देखी होंगी, कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, जिसमें आपको ये पता लगा होगा कि दिल्ली में इस वक्त ज़बरदस्त वाटर क्राइसिस है। लोगों को इतनी गर्मी के समय में भी सोचिए कि पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो कि आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है। दोस्तों इस ये तो चलिए एक समस्या है इसमें, अब लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसमें राजनीति पूरी तरह से होने लगी है। दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी मार्देना, ये एक हंगर स्ट्राइक में बैठ गई हैं। सोचिए, ये मंत्री हैं, इनका काम होना चाहिए इस वक्त कि किसी तरह से इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए और लोगों को राहत पहुंचाई जाए, लेकिन ये इस वक्त एक हंगर स्ट्राइक में बैठ गई हैं, एक अनशन में चली गई हैं। अब ये सोचिए कि ये भूख हड़ताल में बैठी हुई हैं, और इनका ये कहना है कि जब तक हरियाणा इनको पानी नहीं देगा, तब दिल्ली को पानी नहीं देगा, तब तक ये हंगर स्ट्राइक में बैठी रहेंगी। दोस्तों, इन्होंने ये नहीं बताया कि रीजन क्या है, इन्होंने सीधा ये बता दिया कि हरियाणा हमको पानी नहीं दे रहा है, इसलिए हम हंगर स्ट्राइक में बैठ रहे हैं। ये तो दोस्तों इनकी एक आदत सी बन गई है आम आदमी पार्टी की, जब भी कोई परेशानी आ जाए तो सीधे अनशन में बैठ जाओ। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये कई बार अपने परेशानियों में आए हैं, जब समस्याएं आई हैं तो ये सीधे जाके खुद अनशन पे बैठ गए उसका सलूशन निकालने के जगह। आइए दोस्तों फिर समझते हैं कि आखिर ये दिल्ली में परेशानी है क्या। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जो पानी है वो कई राज्यों से होकर आता है, दिल्ली का अपना कोई ऐसा कोई खास रिसोर्सेज है नहीं वाटर का। यहाँ तक कि सोचिए कि दिल्ली का जो 90% पानी है ये कुछ राज्यों से आता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश से आता है पानी, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, इन राज्यों से होकर दिल्ली के पास पानी आता है, और जो 10% की सप्लाई है ये ट्यूबवेल वगैरह से पानी की आपूर्ति करी जाती है। मोस्टली इसमें जो पानी आता है गंगा रिवर से आता है, यमुना रिवर से आता है, रावी और व्यास से, मतलब इस तरह की नदियां हैं जो पानी की सप्लाई कर देती हैं। यहां पर नहरों के द्वारा, जो कैनाल बनी हुई उसके द्वारा पानी आता है दिल्ली में। अब दोस्तों समझते हैं कि समस्या कहां पे, क्या जितना पानी सप्लाई करना चाहिए उतना पानी ये राज्य सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि जितना इन राज्यों को पानी की सप्लाई करनी चाहिए ये राज्य उससे ज़्यादा ही पानी की सप्लाई कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि कैसे। दरअसल हरियाणा को जो पानी देना है ये देना है 719 क्यूसेक। अब ये पानी जो सप्लाई कर रहे हैं, जो इनके अभय यादव जो मंत्री हैं हरियाणा के, उनका जो बयान है उनका ये कहना है कि हम 1050 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। अब दोस्तों जब इनको पानी की नीड दे, मतलब जो देना है वो कुछ और देना और दे उससे ज़्यादा रहे, तो पानी आखिर हो क्या रहा है, समस्या कहाँ पर आ रही है। और बाकी जो राज्य पानी देना है वो दे ही रहे हैं, क्योंकि इनकी जो मंत्री वो भी सिर्फ हरियाणा पे ही इल्ज़ाम लगा रही हैं, हरियाणा के मंत्री का बयान ये आ गया। तो दोस्तों समझते हैं क्या, जब पानी इनको मिल रहा है तो समस्या क्या है, समस्या क्या है, कहीं मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि ये मिसमैनेजमेंट इनके पास है। दोस्तों क्या है कि ये जो वाटर ट्रीटमेंट होता है, जो वाटर का काम किया जाता है, इसके कई स्टेशन बने हुए हैं। ऐसे एक वजीराबाद का स्टेशन है दोस्तों, वहाँ पर 131 MGD वाटर उसको ट्रीट करना है, लेकिन वो इस वक्त इतनी हीट के टाइम पर भी 102 तक ही अपना पहुंच पाया। जो बीच का डिफरेंस है ये तो शॉर्टेज होगा ना, ये तो वो अपनी फुल कैपेसिटी में चल ही नहीं पा रहे हैं। बाकी जो जगहें हैं वो सारे अपने प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो क्लियर जो चीज़ें दिखती हैं ये तो मिसमैनेजमेंट की हैं,
कि आपका जो प्लांट जितने परसेंट से काम करना चाहिए वो उस परसेंटेज पे काम कर ही नहीं पा रहा है, उससे कम वो अपनी सप्लाई दे पा रहा है। एक तो समस्या दोस्तों ये है। दूसरी समस्या आपको और बता दें कि दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है पानी की ये है 1290 MGD की, लेकिन इसकी जो सप्लाई हो पाती है ये 1000 MGD की हो पाती है। जब इसके सारे प्लांट अपने 100% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो 1000 की वो सप्लाई दे पाते हैं। तो जब 1290 की रिक्वायरमेंट है, 1000 की सप्लाई है प्लांट की तरफ से, तो ये तो हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी, क्योंकि 1290 की डिमांड तब होती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और दोस्तों जब गर्मी के समय में इतनी डिमांड है, 1000 आप सप्लाई करोगे तो हमेशा क्राइसिस बनी रहेगी। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो ये है कि हमको प्लांट की अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमारे पास जो वाटर आ रहा है उसको हम ट्रीट करके लोगों को पानी पहुंचा सकें। इसमें पूरी तरह से आम आदमी पार्टी फेल हुई है, जो कि देखने को अभी समझने में आ रहा है। अब ये इसका सोल्यूशन ढूंढने की जगह आरोप प्रत्यारोप पे लग गए हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। दोस्तों इससे कहीं ना कहीं देश की जनता का नुकसान है, दिल्ली की जनता का नुकसान है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन नेताओं का कुछ नहीं जाता, इनकी तो परेशानी कुछ है नहीं, इनको तो सारी चीज़ें आराम से मिल रही होती हैं, पानी भी, रहना भी, खाना भी, सब कुछ मिल रहा होता है। परेशानी आम जनता की है दोस्तों। अब इस पर कुछ अपडेटेड अगर न्यूज आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।